ये कोई दो चार दिन की बात नहीं बल्कि अवामी नुमाइंदों और बल्दियाती इदारों की बरसों की मेहनत का नतीजा है। शहर में जिला इंतजामिया हो, कमिश्नरी निजाम हो या सिंध का महकमा बल्दियात, कोई भी अवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से अवाम ईद के मौके पर भी इस माहौल में रहने पर मजबूर है। ये मलिर की अवाम को गवर्नमेंट ने तोहफा दिया हुआ है, मलिर 15, मलिर हाल्ट और काला बोर्ड तीनों रोडों के ऊपर पानी भरा हुआ है। वो ये चाहते हैं कि आवाम सीवीओ न जाए, उनको सीवीओ यहीं बना के दिया हुआ है। रिलीफ कहाँ नज़र आ रहा है? यहाँ पर तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, बहुत सारे मसाइल हैं। और सिर्फ इंतजामी की तरफ ही बात ना की जाए बल्कि इंतजामी के मसाइल भी हल किए जाएँ। जो मसाइल हैं, न पैदल आदमी घूम सकता है, कराची को गर्क कर दिया है यार, अल्लाह की कसम। लियाकत स्क्वायर कराची का एक ऐसा इलाका है जहां गुज़िश्ता कई माह से कचरा उठाया गया, ना ही सेवरेज के पानी को साफ किया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ इलाका मकीन नमाज की अदायगी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर अपनी जानों से जा रहे हैं। MNS के पास जाओ, ये कहते हैं सर हमारे पास अभी इख्तियार नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। भाई ये MNA का बजट तो आता है, MPA का बजट तो आता है, वो कहाँ जा रहे हैं? उसका तो हमें कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा। पानी भरा हुआ है कि जो मोटरसाइकिल वाले बीवी बच्चों के साथ जा रहे हैं वो पानी के अंदर गिर रहे हैं। यहाँ पे कोई परेशान हाल नहीं है। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, सामने कचरा खाना है, इतना मुश्किल से हमने 40वां किया है कि सारा कचरा खाना जो है सारा कचरा मेरे घर के आगे आ गया। बैक साइड में मेरा घर है। लियाकत स्क्वायर समेत साउथ एरिया यूनियन काउंसिल नंबर 5 के दफ्तर के पास न सिर्फ कचरे का ढेर है बल्कि मुर्दा जानवर भी पड़े हुए हैं। इलाका मकीन फिक्रमंद है कि अगर ये सूरत हाल मजीद कुछ और दिन रही और बारिश हो गई तो मुख्तलिफ अमराज फैल सकते हैं। कैमरामैन बकास लोधी के साथ मोहम्मद मोहसिन, 24 न्यूज़, कराची।